Friends, in this lecture I will show you how to calculate or determine the term symbols for P2 configuration. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि P2 configuration के लिए कैसे term symbols हम calculate कर सकते हैं. All I will show you how the two electrons in p orbital can be arranged. पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि कैसे हम एक पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे. ओके, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें तीन ऑर्बिटल्स हैं जिनमें आप देखेंगे कि एम एल की वैल्यू +1 +1 एंड सेकेंड ऑर्बिटल की वैल्यू 0 0 एंड थर्ड ऑर्बिटल की वैल्यू -1 -1 है. ओके, तो ये है एम एल की वैल्यू. एम एल इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स विल बी अरेंज लाइक दिस. दो इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे. ओके, इसको निकालना कई तरीके से हम सीखेंगे. इसमें देखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन है P2 में. ओके, जब ये P2 में है तो अगर हम केवल P ऑर्बिटल को मानते हुए चलें, ओके, तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन द एल वैल्यू विल बी 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, P2 में. दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अगर हम देखें तो L की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन भी किस में है, P2 कॉन्फ़िगरेशन में. और अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग स्पिन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी है, +1/2. ओके, और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी है, +1/2. ओके, दोनों की इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, +1/2 एंड +1/2. ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो सेम डायरेक्शन में है. तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो एल वैल्यू क्या हो सकती है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स की एल की वैल्यू देखिए क्या हो सकती है, 1+1 यानी 2 हो सकती है. और ये आप देखेंगे एल की वैल्यू इनकी 1 भी हो सकती है और एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है. अगर हम P2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो ये तीन L की वैल्यू हो सकती है. आप देखेंगे भी ये निकल के भी आएंगी. कैपिटल S की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, देखिए, या तो +1 हो सकती है, दोनों को जोड़ दीजिए, या दोनों को माइनस कर दीजिए, या तो 0 हो सकती है. ओके, या तो ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो सकते हैं इन दी सेम ऑर्बिटल. दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं, दोनों की क्या हो सकती है, पेयरिंग हो सकती है, या फिर ये दोनों की स्पिन एक डायरेक्शन में हो सकती है. तो स्पिन में भी 1 और स्पिन में भी 0. ओके, अब आप देखिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने आपसे कहा कि या तो ये पेयर्ड हो सकते हैं, यानी ये दोनों एक ऑर्बिटल में हो सकते हैं, तो इनकी जो एल की वैल्यू होगी वो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगी, +2. ओके, +2 हो जाएगी. या ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो. यहाँ पर ML की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 0 है, तो क्या हो सकती है, L की वैल्यू 1 हो सकती है. या फिर क्या हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर हो, एक यहाँ पर हो, जहाँ पर आप देखेंगे एक की वैल्यू +1 है और एक की वैल्यू -1 है, तो ये L की वैल्यू 0 भी हो सकती है. अगर अगर L की वैल्यू 2 है तो स्टेट क्या होगी, D. अगर L की वैल्यू 1 है तो स्टेट क्या होगी, P. अगर L की वैल्यू 0 है तो स्टेट क्या होगी, S. ठीक है, तीन स्टेट पॉसिबल हैं. और S की लेकिन दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 1 एंड 0. तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिसिटी में भी 3 और मल्टीप्लिसिटी में भी 1. तो क्या हो सकता है, ये स्टेट्स पॉसिबल हो सकती हैं. देखिए 1D 1P 1S. तो आप अगर देखेंगे तो ये 6 स्टेट में भी पॉसिबल, ये 6 स्टेट टर्म्स पॉसिबल हैं. लेकिन इन टर्म्स को अगर हम ऐड अप करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, ये हमारे पास अगर 3D है, 3D का मतलब है कि L की वैल्यू है 2 और S की वैल्यू है 1. ओके, L का 2 वैल्यू है, इसका मतलब ML की वैल्यू क्या होगी, +2 +1 0 -1 एंड -2. और अगर S की वैल्यू 1 है तो MS की वैल्यू क्या होगी, +1 0 -1. तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं बच्चों, देखिए कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. देखिए अगर आप देखेंगे 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. ओके, 15 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं. दूसरा मेथड ये भी है कि अगर हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें इसकी L वैल्यू से, इसकी डीजेनरेसी से, इसकी डीजेनरेसी कितनी होती है, 5, तो क्या आ जाएगी, टोटल जो इस माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल है वो 15 है.
दूसरी स्टेट हमारे पास थी 3p। अगर 3p स्टेट होगी तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होगी, देखिए 3 मल्टीप्लिसिटी और 3 इसकी डीजेनरेसी, तो कितनी स्टेट पॉसिबल है, 9। 9 कैसे पॉसिबल है, l की वैल्यू कितनी है इसमें, 1, और s की वैल्यू कितनी है, 1। तो इसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है, प्लस 1, 0, माइनस 1, एंड इसकी वैल्यू कितनी पॉसिबल है, प्लस 1, 0, माइनस 1। तो टोटल अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, ओके। देन आपके पास है 3s। 3s का मतलब है कि कितनी पॉसिबल स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स पॉसिबल है। तो अगर आप क्या करेंगे, इस 15 को जोड़ेंगे, 9 को जोड़ेंगे और 3 को जोड़ेंगे, तो टोटल स्टेट आपके पास कितनी आ गई, 24 प्लस 3, 27, ओके। अब नेक्स्ट 3 स्टेट और है आपके पास, 1d, 1p एंड 1s। अगर हम 1d को देखेंगे तो 5 स्टेट पॉसिबल है, 1p को देखेंगे तो 3 स्टेट पॉसिबल है, 1s को देखेंगे तो कितनी स्टेट पॉसिबल है, 1 स्टेट पॉसिबल है। कितनी हो गई, 5, 3, 8 और 1, 9, ओके। अब आप देखिए कि अगर मैं इन स्टेट्स को ऐड कर दूं तो ये कितनी स्टेट आ जाएंगी, 36। यानी अगर मैं इस हिसाब से कैलकुलेट करूं माइक्रो स्टेट्स, तो टोटल माइक्रो स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो कितनी आएंगी, 36 होनी चाहिए एक P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आता है, बोला माइक्रो स्टेट्स को कैलकुलेट करने का, माइक्रो स्टेट्स ओके इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई फैक्टोरियल अपॉन जे फैक्टोरियल अपॉन आई माइनस जे फैक्टोरियल। ये तो आप जानते ही होंगे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, पी टू कन्फिग्रेशन की, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें, इसमें आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन जे का मतलब क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और i माइनस j का मतलब 4 का फैक्टोरियल, ओके। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 15 माइक्रो स्टेट्स, ओके। तो 15 माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं, जबकि अभी हमने जो माइक्रो स्टेट देखी थी वो कितनी थी, 36। मतलब 36 में से केवल 15 माइक्रो स्टेट्स जो हैं वो पॉसिबल हैं P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, ओके। उनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, आई विल शो यू कितने तरीके हैं उसको अरेंज करने के, ओके। तो ये मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, ओके। पी ऑर्बिटल में आप देखेंगे कि 3 उसकी एम की वैल्यू है, प्लस 1, 0 एंड माइनस 1, ओके। अब आप देखिए कितने स्टेट्स इसकी पॉसिबल होंगी, ओके। ये है प्लस 1, ये है 0 और ये है माइनस 1। इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपसे कहा या तो वो पेयर्ड हो सकते हैं, अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं या ये यहाँ हो सकते हैं या ये यहाँ हो सकते हैं। तो नंबर 1 कि ये पेयर्ड हो सकते हैं, अब ये अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, तो अनपेयर्ड हो सकते हैं तो ये यहाँ हो सकते हैं, ओके। अनपेयर्ड जब ये होंगे तो बच्चों ये क्या हो सकता है कि या तो इन दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में हो, या इनकी स्पिन ऐसे डायरेक्शन में हो, या इनकी स्पिन ऐसे हो, या इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे और इसकी ऊपर हो। अगर हम इसकी स्पिन काउंट करेंगे तो ये होगी 1 प्लस 1, ओके। इसकी स्पिन काउंट करेंगे तो ये होगी माइनस 1, इनकी स्पिन काउंट करेंगे तो ये होगी 0, ओके। और जब हम पेयर्ड की बात करेंगे तो उसकी स्पिन हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ओके। नाउ ये आपने कहा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन स्पिन ऊपर हो सकती है, इनकी नीचे भी हो सकती है स्पिन, इनकी एक के ऊपर एक के नीचे हो सकती है, या इस वाले के नीचे इसकी ऊपर हो सकती है, ओके। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, ओके। इन इलेक्ट्रॉनों की स्पिन ऐसी हो सकती है, इनकी स्पिन ऐसी हो सकती है, या इनकी स्पिन ऐसी हो सकती है। इसको अरेंज करने के एक और तरीका है, उसको मैं और दिखा दूँ यहाँ पर, ओके। यहाँ पर मैंने और दिखा दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकते हैं, इसकी दोनों की स्पिन अपोजिट हो सकती है, एक की स्पिन ऊपर एक की नीचे हो सकती है। और एक हम यहाँ पर और दिखा सकते हैं, फाइनली एक और पॉसिबिलिटी है कि इसकी स्पिन नीचे हो और इसकी स्पिन ऊपर हो। तो ये अरेंजमेंट अगर आप काउंट करेंगे तो कितने अरेंजमेंट है, आप देखिए 2, 3, ओके, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन, कितने अरेंजमेंट्स हैं? फिफ्टीन. सो टोटल माइक्रो स्टेट्स विल इक्वल्स टू फिफ्टीन. कितने माइक्रो स्टेट्स पॉसिबल हैं? फिफ्टीन माइक्रो स्टेट्स इसकी पॉसिबल है. ओके, फर्स्ट का था ये, मैंने सबसे ऊपर आपको दिखा दिया ये कॉम्बिनेशन. तो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हुए? 15 कॉम्बिनेशन. अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि वहां पर 36 कॉम्बिनेशंस थे. अब कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो घट गए? तो 15 तो ये कॉम्बिनेशन कौन से घटे? देखिए, अगर मैं क्या करूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इन दोनों को बदल दूं, मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रख दूं और ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रख दूं, तो फिर क्या कोई आपको चेंज दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा. जैसे मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां रख दूं और इस इलेक्ट्रॉन को यहां रख दूं, तो क्या आप पहचान पाएंगे कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? नहीं पहचान पाएंगे. तो अगर मैं 15 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की इस जगह को बदल दूं, तो वो सेम रहेगा. इसलिए ये जो 15 कॉम्बिनेशन है, ये हमने कैंसिल कर दिए. ओके, यानी 36 में से 15 कॉम्बिनेशन हमने ये हटा दिए. और हमने कौन से कॉम्बिनेशन हटाए? देखिए, और हमने जो कॉम्बिनेशन हटाए वो मैं आपको बताती हूँ कौन से कॉम्बिनेशन हम हटा सकते हैं. ये जो एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ? क्या मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? नहीं लिख सकती. क्यों? क्योंकि ये इनकी स्पिन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए. और दूसरा, अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दूं, अगर इनको एक्सचेंज कर दूं, क्या मुझे पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा. तो ऐसे ये तो 3 कॉम्बिनेशन हो गए. और अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन का प्लेस बदल दूं तो कितने हो गए? 6. सो ये 6 जो कॉम्बिनेशन है, ये भी हट गए. ओके, तो टोटल कितने हट गए? 15 भी हट गए और 6 भी हट गए. तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बच गए? 15. मतलब केवल 15 कॉम्बिनेशन से हैं जो एक्चुअली P2 की क्या होती है? माइक्रोस्टेट होती है. इसीलिए इसकी माइक्रोस्टेट कितनी होती है? 15 होती है. अब आप समझ गए होंगे कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स का प्लेस चेंज किया जाए तो बिल्कुल वैसा ही कॉम्बिनेशन आएगा. और ऐसे ये 6 कॉम्बिनेशन भी हट जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसके 15 कॉम्बिनेशंस माने जाते हैं. होंगे कि किस तरीके से 15 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? कैसे पॉसिबल हैं? केवल यही वो कॉम्बिनेशंस हैं जो केवल पॉसिबल हैं. इसी की तरीके के अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस चेंज कर दें, इन इलेक्ट्रॉनों को बदल दें, तो वो इलेक्ट्रॉन वही रहेंगे, वो 15 कॉम्बिनेशन माइनस होंगे. और 15 कॉम्बिनेशन वो माइनस होंगे जहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम होगी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में. इस तरीके से आप देखेंगे केवल 15 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो 15 कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली दीज आर दी माइक्रोस्टेट्स. अब इन माइक्रोस्टेट से कैसे हम टर्म सिम्बल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट करेंगे एम एस और एम एल वैल्यूज. ओके, तो सबसे पहले हम एम एस और एम एल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. तो इलेक्ट्रॉन है, इनके लिए आप एम एस की वैल्यू बताइए क्या होगी. एक की स्पिन माइनस हाफ है, एक की स्पिन प्लस हाफ है, तो क्या हो जाएगी? 0. और एम एल कितनी है? देखिए, ये प्लस 1 वाले में है और ये वाला किस में? माइनस 1 वाले में है. इसलिए इसकी एम एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. अब नेक्स्ट वाले के लिए आप देखिए, जो ये कॉम्बिनेशन है, इसके लिए क्या होगा? देखिए, एम एस की वैल्यू 0, एस की वैल्यू 0 होगी. और इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? दोनों ही इलेक्ट्रॉन किस में है? प्लस 1 वाले में है. तो इसकी एम एल की वैल्यू कितनी होगी? प्लस 2 होगी. ओके, अब आप इस कॉम्बिनेशन के लिए देखिए, एम एस की वैल्यू होगी 0 और एम एल की वैल्यू क्या होगी? 0. इस कॉम्बिनेशन के लिए देखिए, एम एस की वैल्यू होगी 0 और एम एल की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है? माइनस 1 वाले एम एल वैल्यू में है. अब हम इस कॉम्बिनेशन, इसमें नंबरिंग हम कर देते हैं. देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. ओके, तो नंबर वाइज आई विल टोल्ड यू.
पांच कॉम्बिनेशन को देखिए, यहाँ पर दोनों के स्पिन अप डायरेक्शन में, इसलिए एल की एम एस की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी, और जो आप देखिए इसकी एल की वैल्यू कितनी होगी, प्लस वन होगी। ओके, नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशन सिक्स को आप देखिए, दोनों की स्पिन डाउनवर्ड है, तो इसकी जो स्पिन होगी वो क्या होगी, माइनस वन होगी, और अगर हम इसकी एम एल की वैल्यू देखें तो प्लस वन होगी। ओके, अगर हम सेवन्थ कॉम्बिनेशन को देखें तो एम एस की वैल्यू जीरो, क्योंकि एक की अप डायरेक्शन में है, स्पिन एक की लो डायरेक्शन में है। ओके, इस तरीके से हम सबकी एम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एम एल और एम एस की वैल्यू, ये भी जीरो है और ये क्या है, प्लस वन है। नेक्स्ट नाइन्थ कॉम्बिनेशन को देखिए, जो एम एस की वैल्यू है वो प्लस वन है और जो एम एल की वैल्यू है वो माइनस वन है, वो सबकी एक सी होगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एम एस की वैल्यू वन है, माइनस वन है, ये इसकी वैल्यू माइनस वन रहेगी, देन जीरो माइनस वन एंड देन जीरो माइनस वन। देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को देखिए, आप ट्वेल्थ को देखिए, नहीं थर्टींथ को देखिए, थर्टींथ में क्या है कि एल की वैल्यू तो सब में जीरो है, ओके, और एस की वैल्यू क्या है, ये है प्लस वन, ये है माइनस वन और ये है जीरो। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको एम एस और एम एल की 15 कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। ओके, अब इन कॉम्बिनेशंस से हमें क्या बनाना है बच्चों, हमें इससे एक नई टेबल जनरेट करनी है। ओके, नई टेबल जो हम जनरेट करेंगे उसको हम एम एस और एम एल की वैल्यूज के हिसाब से ही बनाएंगे। के लिए हमें ये देखना होगा कि मैक्सिमम एम एल की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम एमएल की वैल्यू कितनी है, प्लस टू यानी टू। ओके, तो की क्या है देखिए, प्लस टू भी है, प्लस वन भी है, जीरो भी है, माइनस वन भी है और माइनस टू भी है, यानी पांच एमएल वैल्यू पांच टाइप की है। और अगर हम एमएस वैल्यू देखेंगे तो प्लस वन है, जीरो है, माइनस वन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि एम एल की वैल्यू तो प्लस टू से लेके माइनस टू तक है, जबकि एम एस की वैल्यू प्लस वन से लेके माइनस वन तक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि एक ऐसी टेबल बनाएंगे जो कि 5/3 की होगी। ओके, तो हम ऐसी टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल ड्रॉ करने जा रही हूँ, एक ये टेबल बना रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पर मैं टेबल जो बनाऊंगी वो इस तरीके की बनाऊंगी कि इसमें पाँच तो रो मैंने बना दी, क्योंकि पांच वैल्यू एमएल की हैं, और तीन क्या बना दिए, कॉलम बना दिए। ओके, डाल देती हूँ एमएस की वैल्यू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन। ओके, देती हूँ एमएल की वैल्यू, प्लस टू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू। ओके, तो अब आप इस टेबल को देखिए और हमें क्या ऐड करना है, यहाँ से एम एस और एम एल की वैल्यू देखनी है। अब मुझे ऐसा देखना है कि जहाँ पर एम एस, ये क्या है एम एस, ओके, और ये क्या है एम एल की वैल्यू। नाउ अब मुझे क्या करना है कि एम एस, देखिए ऐसी वैल्यू देखनी है जिनमें एम एस की वैल्यू प्लस वन हो और जो एम एल की वैल्यू है प्लस टू है। क्या यहाँ पर कोई ऐसी है, एम एस की वैल्यू जहाँ पर प्लस वन है, एक तो ये जगह है और एक ये जगह है, तो यहाँ पर जो एम एल की वैल्यू है क्या प्लस टू है, नहीं है, तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मैंने डैश कर दिया। ओके, ऐसा कॉम्बिनेशन देखिए जहाँ पर एम एस की वैल्यू जीरो हो और एम एल की वैल्यू प्लस टू हो, एम एस की वैल्यू जीरो और एम एल की वैल्यू प्लस टू, कितनी वैल्यू है ऐसी, एक वन वैल्यू है, तो मैंने वन लिख दिया। ओके, और ये हाफ टेबल बिल्कुल वैसी होती है जैसी फर्स्ट हाफ होगी। ओके, देन आप देखिए वन और जीरो, यानी एम एल की वैल्यू तो वन हो और एम एस की वैल्यू जीरो हो, तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है, देखिए वैल्यू प्लस वन, एम एल की वैल्यू प्लस वन है और एम एल, ये एम एल की वैल्यू, सॉरी एम एल की वैल्यू हमें चाहिए प्लस वन। ओके, एम एल की वैल्यू प्लस वन ये है एंड एम एस की वैल्यू जीरो है, तो ऐसी कितनी वैल्यू है देखिए आप, कितनी वैल्यू, एक ये वैल्यू है और कोई वैल्यू है, नहीं है, दो वैल्यू ऐसी। ओके, हमें इस सेल के बारे में, ये सेल अगर हम देखें तो सेल क्या है, प्लस वन प्लस वन, दोनों की वैल्यू प्लस वन जो है वो एक है, देखिए यहाँ पर एक आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए एम एस जीरो और एम एल प्लस वन, एम एस है देखिए, ऐसी दो वैल्यू है वन एंड टू, तो यहाँ पर हमने टू लिख दिया, हाफ में यहाँ पर वन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है ये जो सेल है, ये सेल क्या है, प्लस वन एंड जीरो, यानी एम एस जो है वो प्लस वन है और एम एल कितना है, जीरो। ओके, एम एस जो है वो प्लस वन है, एम एस प्लस वन एंड एम एल जीरो,
MS प्लस वन एम एम एल जीरो, कितने कॉम्बिनेशन है वन. ओके अब हमें देखना है जीरो और जीरो कॉम्बिनेशन कितने हैं, दोनों जीरो होंगे. इस सेल की वैल्यू कितनी है जीरो जीरो, तो जीरो जीरो कितने हैं देखिए वन है. ओके देन टू है देन थ्री है, कितने हैं थ्री ऐसी वैल्यूज हैं जो जीरो जीरो हैं. अगेन वन वन हो जाएगा. बाकी पूरी टेबल अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल इसकी अपोजिट होगी. आप गिन लीजिए, ये वन आएगा, ये टू आएगा, ये वन आएगा, ये डैश वन एंड डैश. तो ये कंप्लीट टेबल हमारी हो गई है. इस टेबल से ही हम टर्म सिंबल निकालेंगे. तो अगर आप इसको अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा थ्री. ओके इसको ऐड करिए कितना आएगा थ्री टू फाइव टू सेवन एट नाइन, कितना आया नाइन. इनको ऐड करिए कितना आया थ्री. और अगर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15. सो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन है, टोटल 15 कॉम्बिनेशंस हैं. अगेन माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई 15. तो अगर हम ये टेबल बनाना सीख गए तो हम बहुत आसानी से टर्म सिंबल निकाल सकते हैं. टेबल हमारे पास आई, तो ये टेबल जो है, ये टेबल जो हमारे पास आई, इस टेबल को हमने रिड्यूस करना है. इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे देखिए. अब हम इसमें ये देखेंगे, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर मैं देखूंगी कि L की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आई है. एम एल यानी M या L, हम जिसकी भी वैल्यू देखना चाहें, L की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आई बच्चों, ये क्या था देखिए, ये जो कॉलम है ये है एम एल. ओके है एम एल. वैल्यूज है ये क्या है एम एल की वैल्यू, और ये जो वैल्यूज है ये क्या है एम एस की वैल्यू. अब आप देखिए मैक्सिमम एल की वैल्यू कितनी आई है. ओके मैक्सिमम एल की वैल्यू कितनी आई है आपको कैसे दिखेगा, आप ये देखेंगे कि यहाँ तक ये वाले सेल की वैल्यू क्या है. इसमें एल की वैल्यू क्या है प्लस टू और एस की वैल्यू क्या है प्लस वन. तो मैक्सिमम यहाँ पर, लेकिन कोई नंबर नहीं लिखा है मैंने, ठीक है. तो नंबर कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से. जिस भी सेल में नंबर लिखा है आप उस वाले सेल को देखिए. तो इस सेल को अगर मैं देखूं तो इस सेल का एड्रेस क्या है, इसके लिए अगर आप देखेंगे L की वैल्यू कितनी है और S की वैल्यू कितनी है देखना है, जिसमें नंबर गया हुआ है जहां तक. ओके ये सेल का एड्रेस क्या है, प्लस टू एंड जीरो. तो इसकी L की वैल्यू कितनी है, टू है, और S की वैल्यू कितनी है, जीरो है. तो जब L की वैल्यू क्या होती है, टू होती है, तो ये क्या स्टेट होती है, D. और जब S की वैल्यू जीरो होती है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, टू. ओके तो इसका मतलब है हमें, अब आप देखिए कि L की वैल्यू है टू. L की वैल्यू टू का मतलब ये वैल्यू प्लस टू प्लस वन माइन जीरो माइनस वन माइनस टू तक गई है एम एल की. ओके और एस की एम एस की वैल्यू कितनी गई है, जीरो. जीरो है तो जीरो ही गई है. तो कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वन टू थ्री फोर एंड फाइव. फाइव कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जहां पर एस की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, एम एल की वैल्यू प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू होनी चाहिए. तो देखिए प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू, और एस की वैल्यू कितनी है, जीरो. तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला जो कॉलम है इसमें से एक एक नंबर को माइनस कर देंगे, जो कि 2D की वजह थी. कितने पांच कॉम्बिनेशन हैं, तो पांच कॉम्बिनेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है. तो अब मैं क्या करूंगी कि इस टेबल को रिड्यूस कर दूंगी. ये तो देखिए कुछ इस तरीके की टेबल ये दिखाई देगी मुझे. अब आप देखिए कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ये टेबल जो है वो छोटी हो जाएगी. ये टेबल छोटी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी देखिए, प्लस वन जीरो माइनस वन से. अभी टू वाला जो है गायब हो गया, क्योंकि टू वाले में एक ही नंबर था और वो उसकी वजह से टू डी स्टेट थी. अब क्या रह जाएगा, केवल दिस वन, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा. तो अब आप देखिए जो प्लस वन वाला है, ओके जो जीरो वाला है और जो माइनस वन वाला, यही रह जाएगा. ये जो बीच वाला जो पोर्शन था उसमें से हमने एक एक नंबर कम कर दिया. तो प्लस वन के आगे क्या रह जाएगा बच्चों, देखिए प्लस वन में यहाँ पर वन रहेगा, टू में से एक चला गया वन और यहाँ पर भी वन, जीरो में वन और थ्री में से एक गया टू, देन वन, देन यहाँ पर क्या रह जाएगा, वन वन वन. जो टू वाली जो स्टेट थी वो सारी की सारी टू डी में शामिल हो गई. ओके में देखिए इस टेबल में अगर हम देखेंगे तो एल की वैल्यू कितनी गई है, एल की वैल्यू कहाँ पर नंबर स्टार्ट है, यहाँ से नंबर स्टार्ट है. इसका अगर आप एड्रेस देखेंगे तो क्या है,
ये प्लस वन प्लस वन, इसका एड्रेस क्या है प्लस वन, यानी एल की वैल्यू भी वन है और एस की वैल्यू भी कितनी है वन। देखिए एम एल की वैल्यू भी वन है और एम एस की वैल्यू भी वन है, यानी ये स्टेट क्या होगी, इसमें एल की वैल्यू वन है तो स्टेट क्या है पी, और एस की वैल्यू वन है तो ये कितनी हो गई थ्री पी। तो ये थ्री पी स्टेट है जहां पर आप देखेंगे एम एल की वैल्यू प्लस वन जीरो माइनस वन एंड एस की वैल्यू एम एस की वैल्यू क्या है प्लस वन जीरो माइनस वन तक जाएगी। तो ये कितनी टोटल वैल्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, नाइन वैल्यू के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और वो नाइन वैल्यू क्या है, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो ये नाइन वैल्यू हम इसमें से माइनस कर देंगे। वो वैल्यू क्या है देखिए प्लस वन प्लस वन जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस वन, देखिए प्लस वन प्लस वन जीरो, ये प्लस वन माइनस वन जीरो प्लस वन जीरो 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 माइनस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन जीरो माइनस वन माइनस वन। तो ये छह वैल्यू हम माइनस कर देंगे तो हम एक नई टेबल मिलेगी और उस नई टेबल में आप देखेंगे ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो एक छोटी सी टेबल मिलेगी वो ये होगी जहां पर ये वैल्यू भी जीरो होगी और ये वैल्यू भी जीरो होगी, केवल ये वाला पोर्शन रह जाएगा इसमें, और यहां पर भी एक वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, केवल एक नंबर रहेगा। और अगर इस एक नंबर को हम देखेंगे तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है जीरो और एल की वैल्यू कितनी है जीरो, तो एल जीरो का मतलब स्टेट क्या हो गई एस, और एस जीरो का मतलब ये स्टेट क्या हो गई वन। तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वन माइक्रो स्टेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एल की वैल्यू भी जीरो है और एस की वैल्यू भी जीरो है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ही स्टेट पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर आप हम कैलकुलेट इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसके आगे टेबल रिड्यूस नहीं हो पाएगी। तो ये जो 15 स्टेट थी इनको हमने डिवाइड किया, देखिए 2D यानी 2D रिस्पॉन्सिबल थी इसके स्टेट के, दिस इज एक्चुअली नॉट 2D, दिस इज 1D एक्चुअली 1D, ये क्या है 1D है, ओके 1D है क्योंकि s इज इक्वल टू क्या है जीरो। तो एक स्टेट तो है 1D, 1D स्टेट कितनी स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, पांच स्टेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, थी वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये पांच स्टेट्स के लिए पॉसिबल है 1D। देन हमने देखा कि दूसरी जो स्टेट आई हमारी 3P आई, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। देन जो नेक्स्ट स्टेट आई हमारे पास 1S थी, जो केवल एक स्टेट के लिए पॉसिबल थी। तो आप जोड़िए, आप यू कैन एड अप दीज स्टेट्स, पांच स्टेट्स then 9 states 14 then 1 state 15, so total states are 15। तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन के लिए क्या निकाल सकते हैं, टर्म सिंबल्स निकाल सकते हैं। और ये टर्म सिंबल्स आप देखेंगे, इसीलिए जो तीन टर्म सिंबल्स थे, देखिए आपने पढ़े थे, आपने क्या पढ़े थे, आपने पढ़े थे 3D 3P 3S पॉसिबल है, 1D 1S 1P पॉसिबल है, लेकिन इनमें से जो बिल्कुल जो इस टर्म्स हैं वो 1D है 3P है एंड 1S है, केवल यही तीन स्टेट्स हैं, यही तीन टर्म सिंबल्स हैं जो कि 2P B2 कन्फिग्रेशन के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल है, जिसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास पहले हमने कहा था कि ये स्टेट्स पॉसिबल है 3P 3S, ओके देन 1D 1P एंड 1S, ओके स्टेट आई आपने देखा 3P 1D एंड 1S, ये स्टेट पॉसिबल नहीं थी क्योंकि इन स्टेट की पॉसिबिलिटी की वजह, जो पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी वजह आपने देख ली, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन्स को हम एक्सचेंज करें तो वही स्टेट हमें मिलती है, इसलिए ये नील हो गई। अब इन तीनों में से कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी, सो ग्राउंड स्टेट टर्म विल बी 3P 3P होने जा रही है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको हुन रूल भी पढ़ाया हुआ है, हुन रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जिस टर्म की मल्टीप्लिसिटी हाईएस्ट होती है वो क्या होती है, ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। तो वन वाली जो टर्म है वो ग्राउंड स्टेट नहीं है क्योंकि उनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, वन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम किसी भी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रो स्टेट। यहाँ पर माइक्रो स्टेट्स देखिए 3P, अब आप देखिए मैंने आपको कहा कि 3 को इसकी इसकी डिजेंडेसी कितनी होती है 3, आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 आ गया,
फिर वन है इसकी मल्टीप्लिसिटी वन, डिजेनरेसी है वन, तो कितनी स्टेट पॉसिबल है वन. अगर मैं वन डी लूँ तो इसकी मल्टीप्लिसिटी है वन और इसकी जो डिजेनरेसी है वो है पाँच, तो कितनी स्टेट पॉसिबल है पाँच, नौ पाँच चौदह और एक पंद्रह. चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करिए या आप अरेंजमेंट करके दिखाइए इलेक्ट्रॉन्स का या फॉर्मूला से कैलकुलेट करिए, आपको माइक्रो स्टेट्स जो हैं उसकी 15 ही मिलेगी. और आई थिंक अब आप समझ गए हैं कि यही स्टेट्स क्यों पॉसिबल हैं. इसको हम रिडक्शन कर सकते हैं डिफरेंट. एक्चुअली माइक्रो स्टेट्स क्या होती है, माइक्रो स्टेट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एम एस एंड एम एल टर्म्स. तो इन एम एस और एम एस और एम एल वैल्यूज से हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन से हम फिर क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. रिड्यूस करने के बाद देन वी कैन कैलकुलेट और इवेल्युएट दी डिफरेंट टर्म्स. टर्म्स हमें देखिए बैक हम कहाँ से गए, माइक्रो स्टेट्स एम एस और एम एल वैल्यूज से हम गए टर्म्स की ओर. तो तीन टर्म पॉसिबल हैं. अगेन आई विल अगेन रिपीट दीज, हाउ कैन वी कैलकुलेट दीज टर्म्स, को फिर से समझ में आ जाएगा कि ये जो लेफ्ट हैंड में जो मैंने टेबल बनाई है, इस टेबल से हम क्या कर सकते हैं, इनके अरेंजमेंट बनाएंगे, इनके करेंगे. तो इस तरीके से इवन हम D5 कॉन्फ़िगरेशन का भी अरेंज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो इस तरीके से जब हम अरेंज करेंगे देन हम क्या करेंगे, MS और ML वैल्यूज इनकी कैलकुलेट कर लेंगे. जब हम इनकी MS और ML वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे देन हम क्या करेंगे, इनकी MS और ML वैल्यूज में क्या देखेंगे कि ML वैल्यू कितनी पॉसिबल है और MS वैल्यू कितनी पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंग हम एक नई टेबल बनाएंगे. और उस नई टेबल में आप देखेंगे कि हम जो मैक्सिमम ML की वैल्यू है उसके वर्सेस मैक्सिमम MS वैल्यू के वर्सेस हमने टेबल बनाई. जैसे आपने देखा यहाँ पर मैक्सिमम ML वैल्यू कितनी थी, प्लस टू. तो इस प्लस टू के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, यानी पाँच रोज बना दिए. और MS की वैल्यू कितनी थी देखिए, प्लस वन. तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, तीन कॉलम बना दिए. तो हमारे पास टेबल आ गई 5:3 की. और यहाँ पर हमने ML और MS के कॉम्बिनेशंस कितने हैं उस पर्टिकुलर सेल के एड्रेस पर बेस्ड. जैसे आपने सुना होगा कि जैसे आपने एक्सेल पर काम किया होगा, उस सेल का एक एड्रेस होता है, ऐसी इस सेल का एड्रेस है. इस सेल का एड्रेस क्या है, प्लस वन प्लस टू. इस सेल का एड्रेस क्या है, माइनस वन प्लस टू. इस सेल का एड्रेस क्या है, जीरो प्लस टू. इस सेल का एड्रेस क्या है, जीरो माइनस टू. इस सेल का एड्रेस क्या है, माइनस वन माइनस वन. तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम दीज एम एस एंड एम एल वैल्यूज. तो हमने एक टेबल बना ली हेल्प से, देन हमने रिड्यूस किया सारी वैल्यूज को. और रिड्यूस करने के बाद हमें थ्री स्टेट मिली, एक मिली हमें 1D और एक मिली हमें 1S और एक मिली हमें 3P. और वहाँ पर आपने देखा कि 3P जो थी वो ग्राउंड स्टेट टर्म थी. ओके, क्यों, क्योंकि उसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे अधिक थी. About how to calculate or evaluate the term symbols of a particular configuration. Especially, I had discussed about the calculation of term symbols of P2 configuration. So, thank you very much. I think you can easily understand the calculation of different term symbols for P2 configuration. So, thank you very much again.